लेबर डे के अवसर पर नरवल क्लब गिरिडीह सनशाइन द्वारा श्याम मंदिर के हॉल में करीब 50 स्टाफ के साथ इस दिन को मनाया गया। नरवल क्लब सनशाइन की सोच यही है कि किसी भी कार्य को करने की शुरुआत पहले अपने घर से की जाए, इसलिए क्लब के मेंबर्स ने अपने ड्राइवर सर्वेंट मेट कुक को सम्मानित करके और ये फैसला किया कि फेलिसिटेशन के लिए आए हुए स्टाफ द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई और क्लब की संस्थापिका पीडीसी पूनम सहाय ने अपने द्वारा लिखी गई कई सुंदर कविताएं और ये देकर के प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन किया और साथ ही यहां पर कई बच्चों ने एक मोटिवेशनल नृत्य और कई सारे संगीत गा करके इस कार्यक्रम के जरिए सभी लोगों का मन मोह लिया। 1 मई 2022 इसको अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे जैसा मनाया जाता है, लेकिन हमारी सोच इससे थोड़ी फर्क है। हम आज इसको अपने परिवार के सहायक एक विस्तृत परिवार को मानते हैं जो हमारे घर में हमारी सहायता करते हैं और हमारे साथ एक जैसे बच्चा माँ की मदद करता है, बेटा पिता की मदद करता है, दादा दादी की मदद पोता पोती करते हैं, हम लोग उसी तरीके से उस परिवार के उन कार्य करने वाले लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। इसलिए इसको हम लेबर डे या श्रमिक डे के नाम से नहीं संबोधित कर रहे हैं, ये हमारे परिवार के सहायक गण हैं जिनको हम आज सम्मानित करना चाहते थे। और मेरा ऐसा उद्देश्य था कि कम से कम 51 लोगों को सम्मानित करें और ये हमारे मेंबर्स के ही घर के सारे कार्य क्षेत्र के लोग हैं और क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन एकदम सरलता से नहीं चल सकता है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे हमारा खाना बनाने वाला हो, या घर का असिस्टेंट हो, या घर का मैनेजर हो, कोई भी हो, उनके बिना काम नहीं चल सकता। जैसे हमारे हस्बैंड पैसा कमाते हैं, उनके बिना पैसा कमाए घर नहीं चल सकता है, हम खाना बनाते हैं, मेरा खाना बनाए बिना घर नहीं चल सकता, वैसे ही उनके सहयोग के बिना भी हमारा घर नहीं चल सकता है। और आज हमें बहुत खुशी है कि वो लोग ने दिल से बोला है और अभी वो बोलेंगे भी अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में कि हमारे लिए ये एक परिवार है और हम लोग हमेशा अपने परिवार के लोगों की खुशियां चाहते हैं। बहुत सारे स्टाफ ऐसे हैं जो 35 साल से 40 साल से हमारे घरों में काम कर रहे हैं और आज वो इतने खुश हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे आके उनको हम लोग सम्मानित करके उनको सब दुनिया के लोगों से परिचित करा रहे हैं। उनके लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा डांस ड्रामा एक संदेश देने के लिए राखी मिस के द्वारा तैयार करवाया है जो कि आज वो प्रस्तुति दे रहे हैं। साथ में एक कविता के माध्यम से हम संदेश देंगे और एक हमारी ममता बनर्जी हैं वो भी आज इस दिवस को खास बनाने के लिए अपनी पोयम के माध्यम से संदेश देंगी और उन लोगों को हम लोग फेलिसिटेट करने के लिए एक उनके इस्तेमाल की चीज एक टॉवल टिफिन के साथ उनको सम्मानित करेंगे और उनको ये एहसास कराएंगे कि वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, उनके बिना हमारे जीवन की जो माला है वो पूरी नहीं हो सकती। और इस उपलक्ष्य में इनर व्हील सनशाइन की ओर से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हमारे घरेलू स्टाफ के लिए श्याम मंदिर में किया गया। टीम के सभी सदस्य हमारे संरक्षक के दिशा निर्देश में इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रही है। श्रम एक ऐसा शब्द है, ये अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। श्रम किसी एक आदमी तक ये सीमित नहीं है, आप हर दिशा में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, किसी कंपनी का बहुत बड़ा मालिक या एक छोटा कर्मचारी हो, वो श्रम के आधार पर ही आगे बढ़ता है। जो परिश्रमी होता है वो दुनिया जीत लेता है। आप एक स्टूडेंट को भी कहते हैं परिश्रमी बनो और श्रम करो। श्रम कोई एक छोटा सा शब्द नहीं है जो हमारे घरेलू या कोई लेबर काम करते हैं वही तक सीमित है, हर क्षेत्र में हर दिशा में श्रम का बहुत जरूरत है। और जो आदमी परिश्रमी रहता है दुनिया वही जीतता है। तो पूरी दुनिया को, हमारी गिरिडीह को श्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हर दिशा में चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रहो परिश्रमी बनिए तभी सफलता आपके कदम चुमेगी। धन्यवाद।